प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पृथ्वी पर प्रकाश का एकमात्र और प्रमुख स्रोत सूर्य है। प्रकाश एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल फैक्टर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह पादपों में कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को प्रभावित करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, CO2 एंड H2O का यूज करके क्लोरोफिल की मदद से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इस क्रिया में लाइट नेसेसरी है। सेकंड क्रिया है ट्रांसपायरेशन। हम देखते हैं कि प्लांट की पत्तियों के ऊपर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में खुले रहते हैं, और इन खुले हुए स्टोमेटा से पानी वाटर वेप्योर के रूप में, जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। दोपहर के समय जब लाइट इंटेंसिटी काफ़ी अधिक होती है, उस दौरान स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन की दर भी काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद में प्लांट मूवमेंट। जो प्रकाश है वह पादपों की गति को भी प्रभावित करता है। अगला है फ्लावरिंग। लाइट प्लांट्स की फ्लावरिंग को भी प्रभावित करती है। फ्लावरिंग की क्रिया पर लाइट के प्रभाव को फोटोपीरियडिज्म के नाम से जानते हैं, दीप्तिकालिता के नाम से हम जानते हैं, और दीप्तिकालिक अनुक्रिया के आधार पर पादपों को शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट में हम विभाजित करते हैं, जिसका अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। अगला है सीड जर्मिनेशन। तो जो लाइट है वह पादपों में सीड जर्मिनेशन, बीजों के अंकुरण को भी प्रभावित करती है। ऐसे बीज जिनके अंकुरण पर लाइट का प्रभाव पड़ता है, फोटोब्लास्टिक सीड कहलाते हैं। फोटोब्लास्टिक सीड दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड और दूसरा है नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। ऐसे सीड जिनके जर्मिनेशन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड कहलाते हैं। इसके विपरीत ऐसे सीड जो लाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, वे नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड कहलाते हैं। अब हम देखते हैं विजिबल लाइट के बारे में, दृश्यमान प्रकाश के बारे में। तो सूर्य से प्राप्त वे विकिरणें, वे रेडिएशंस जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, विजिबल लाइट कहलाता है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन तक होती है।
इसी तरंग दैर्ध्य परास का प्रकाश मुख्यतः प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त किया जाता है। इस वेवलेंथ रेंज से नीचे एवं ऊपर की लाइट को हम आँखों द्वारा नहीं देख सकते, इसे इनविजिबल लाइट अदृश्यमान प्रकाश कहा जाता है। 3900 एंगस्ट्रॉन से कम वेवलेंथ की लाइट अल्ट्रावायोलेट रेज कहलाती है, जबकि 7600 एंगस्ट्रॉन से अधिक वेवलेंथ का प्रकाश इंफ्रारेड लाइट अवरक्त प्रकाश कहलाता है। विजिबल लाइट को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह श्वेत प्रकाश 7 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के ये 7 रंग है: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जो विजिबल लाइट है उसे कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश विकिरणें यूवी रेज, उससे भी कम एक्स रेज और सबसे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन गामा रेज है। विजिबल लाइट के दूसरी तरफ देखें, यानी कि इससे हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशन देखें, तो इंफ्रारेड वेव जाती है और उनसे भी अधिक वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है। जो प्रकाश की विकिरण हैं उनकी ऊर्जा के बारे में बात करें तो इनकी ऊर्जा उनकी वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रकाश की वे विकिरणें जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी एनर्जी हाई होती है, इसके विपरीत जिन विकिरणों की वेवलेंथ अधिक होती है उनकी एनर्जी कम होती है। प्लांट्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड लाइट में करते हैं। पादप पर गिरने वाले टोटल सनलाइट का लगभग 12% भाग रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। 5% जो लाइट है वह पत्ती की सतह से ट्रांसमिट हो जाती है, पारगमित हो जाती है, एक सतह से दूसरी सतह को होते हुए बाहर निकल जाती है। लगभग 79% जो रेडिएशन है वह हीट के रूप में लॉस हो जाती है और केवल 1-4% ही फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं फोटोमीटर या लक्स मीटर क्या है। तो यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को नापने के काम आता है। अब देखते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। यह भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र है जो लाइट एब्जॉर्प्शन, प्रकाश के अवशोषण का मेजरमेंट करता है। हमने देखा था कि जो विजिबल लाइट है उससे कम तरंग दैर्ध्य
कि जो रेडिएशन है वो यूवी रेज है। यूवी रेज के बारे में हमने पहले एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वह यूवी रेज को रोकती है पृथ्वी पर आने से। यदि ये यूवी रेज पृथ्वी पर आ जाएं तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देती है, जैसे कैटारैक्ट मोतियाबिंद की समस्या उत्पन्न हो जाती है, स्किन कैंसर की, त्वचा कैंसर की भी ये समस्याएं उत्पन्न कर देती है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की दर वगैरह को कम कर देती है। जो यूवी रेज है उनको उनके वेवलेंथ के आधार पर तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहली है यूवी रेज सी, इनकी वेवलेंथ 100 से 280 माइक्रोमीटर होती है। दूसरी यूवी बी, इनकी वेवलेंथ